To watch latest technological video, click the subscribe button. And to get all the notification, hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुम्बलिया टेक सॉल्यूशन। मैं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुम्बलिया, मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज का टॉपिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फाइल के साइज को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम जब फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। उससे क्या होता है कि हमारा बिना मतलब का हमारा जो मेमोरी है वो वेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप उस फाइल को छोटा करके कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप उस फाइल को, कंप्रेस्ड फाइल को, आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग का आज का वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर आप लोग ऐसे ही कुछ नया नया वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे वीडियोस, जो पुराने वीडियोस है आप लोग अगर देखना चाहते हैं, वो सारे वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, नीचे यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप कैसे करके एक फाइल को छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये फाइल यूज़ करने वाला हूँ, तो ये फाइल का प्रॉपर्टीज आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 107 MB है इस फाइल का साइज़। तो अभी मैं आपको इसको जिप करके दिखाऊंगा, मतलब इसको कंप्रेस करूंगा। इसके लिए मेरे पास देखिए ये एक विनरार का फाइल है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको पहले इंस्टॉल करना होगा विनरार का। उसमें देखिए ये ऐड टू आर्चिव करके है, इस पर आप जस्ट क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिए, इसमें इतने सारे ऑप्शन है, जैसे रार फाइल करना है आपको, फिर रार 4 है या जिप फाइल करना है। तो मैं जिप करता हूँ। जिप करके फिर आप देखिए यहाँ पे कंप्रेशन मेथड, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल है, फास्ट है, फास्टर है, शॉर्ट है, तो मैं जस्ट बेस्ट पे करता हूँ। बेस्ट पे करके फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सेट पासवर्ड कर दीजिए, यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड डाल दीजिए, फिर यहाँ पे दोबारा एक और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये डाल के फिर आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे कर दीजिएगा तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर इसको ओके करके देखिए ये कंप्रेस हो जाएगा ये फाइल। कुछ ही देर में यहाँ पे देखिए आपका एक AMD करके जिप फाइल बन रहा है। तो ये फाइल जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, ये जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपका जिप फाइल बन जाएगा। मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि साइज़ का ये जो फाइल बना है, नया कंप्रेस्ड फाइल बना है, ये कंप्रेस्ड फाइल का साइज़ कितना है। आप देख के खुद ही हैरान हो जाइएगा कि सच में ये कितना कम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये पहला आपका जो मैंने प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाया, देखिए ये प्रॉपर्टी आपका 107 MB का है, ठीक है। आप नेक्स्ट आपको यहाँ इसका मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाइए, देखिए 85.5 MB, लगभग 85। इसका मतलब क्या, ऑलमोस्ट 20 से भी ज़्यादा, 20-23 MB का फ़र्क हुआ। तो आप जानते हैं 1-2 MB ही कितना बड़ा अहमियत रखता है हम लोग के लिए, किसी भी डेटा के लिए, कभी भी स्टोरेज के लिए 20-22 MB। और ये तो फिर भी 107 MB का फाइल है, इसमें आपका 85 MB है। अब अगर 1-2 GB का फाइल लेंगे और उसको फिर कंप्रेस करेंगे तो आपका 200-300 MB का आपको कंप्रेस्ड हो जाएगा, 200-300 MB शॉर्टेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं और पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, मतलब जो भी अंदर में फाइल था मेरा, वो फाइल सच में खुल रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ। देखिए ये सबको मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करना, तो देखिए सेट पासवर्ड, यहाँ पे सेट पासवर्ड जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डाल के फिर ओके करना पड़ेगा। जैसे ओके करेंगे देखिए पासवर्ड अगर सही है आपका तो फिर ये एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, अगर पासवर्ड सही नहीं रहेगा तो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो देखिए ये AMD का था, तो ये देखिए यहाँ पे फिर से वो सेम फाइल, देखिए ये सारा का सारा जो भी अंदर में हमारा फाइल था सारा फाइल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं और साथ ही पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस जो ये आपका AMD का सॉफ्टवेयर है, ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए इसका जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैं इस AMD को कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक दे दूंगा। तो मैं आप लोग को उससे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप डाउनलोड करना है, या तो लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या करना है। आप जाइए सीधे कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसमें गूगल ओपन कर लीजिए, फिर वहाँ पे आपको टाइप करना है विनरार 64-bit, कोई भी सिर्फ विनरार लिखने से भी चलेगा, बट ये कीवर्ड लिखिएगा तो यहाँ पहला ऑप्शन जो आएगा इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड फ्री वर्जन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। बस जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड चालू हो जाएगा, ठीक है।
कुछ समय लगेगा आपको डाउनलोड होने में, बट ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड नहीं करना, ये ओपेरा का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विंडर कंटिन्यू का, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, देखिए आपका फाइल डाउनलोड भी हो गया, देखिए कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको फाइल को डाउनलोड करना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग को ये वीडियो आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उस सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपका दिन शुभ हो दोस्तों, गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।